शुभोदय बच्चों, नारायण आलोक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सिकंदर है। बच्चों, मैं आज आप लोगों को चावल के दाने पार्ट से संबंधित जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया है उसके उत्तरों की चर्चा करने वाला हूं। सब लोग ध्यान दीजिए। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है बच्चों, कहानी का शीर्षक तुम्हें कैसा लगा और क्यों? कहानी का शीर्षक, शीर्षक क्या है? चावल के दाने। ये शीर्षक आप लोगों को कैसा लगा और क्यों? इसका उत्तर है, कहानी का शीर्षक चावल के दाने अच्छा लगा क्योंकि चावल के दाने के माध्यम से तेनाली राम ने राजा को छोटी छोटी चीजें भी कितनी महत्वपूर्ण होती हैं ये समझाने की कोशिश की है। ये शीर्षक इसलिए अच्छा लगा क्योंकि तेनाली राम जो है छोटी छोटी वस्तुएं भी कितनी कीमती होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। बच्चों, दूसरा प्रश्न है बच्चों, तेनाली राम ने राजा से क्या निवेदन किया? तो उसका उत्तर है, क्या प्रार्थना की थी तेनालीराम ने? तेनालीराम ने राजा से यह निवेदन किया कि महाराज, यदि आप चावल का एक दाना उस शतरंज के पहले खाने में रख दें और हर अगले खाने में पिछले खाने का दुगना रखते जाएं तो मैं उसे ही अपना इनाम समझूंगा। तो देखिए बच्चों, शतरंज के खाने में राजा को एक एक दाना रखना चाहिए था। जिस जहां से शुरू होता है तो वहां एक दाना रखेंगे राजा, दूसरे शतरंज के खाने में क्या रखेंगे? दो रखेंगे, तीसरे में चार रखेंगे, चौथे में आठ रखेंगे। इस तरह एक से दूसरा बढ़ता ही जाना है, इस तरह का इनाम पूछा था तेनालीराम ने। तो यह है बच्चों आज के असाइनमेंट के उत्तर। धन्यवाद बच्चों।